कोनिच्वा दोस्तों, प्रणाम। मैं सुन मार आपसे चैनल सु गेमिंग पिक फ्रेस माल से वीडियो लेकर आज की वीडियो वाली कफमाल, क्योंकि भाई आज हम चलने वाले कहीं, मतलब कहाँ, मैं घर जाने वाला हूँ, तो आपको थोड़े ब्लॉग दिखाते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का वाइट। I got $500 in cash in case they don't take MX. She wanted to see me, so now I'm headed to the annex. Sorority house, she snuck me in. She tried to keep quiet, couldn't hold it in. I mean, the bed was too springy, the room was too dingy. You really. कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, यानी रेलवे स्टेशन जो मेरे रूम के काफ़ी पास पड़ता है, वहाँ पे भिलाई में, भिलाई पावर हाउस, एकदम समय पे पहुंच जाता हूँ, आप चारों तरफ देख सकते हो। बट कहानी ये होती है कि भाई ट्रेन आती है एक घंटे लेट, भाई गॉड दिमाग खराब हो जाता है। समय को किसी तरह काटते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि भाई ट्रेन एक घंटे और लेट हो जाती है, तो मुझे पूरे दो घंटे वेट करने पड़ते हैं। तो ट्रेन का वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन वापस 9 बजे के आसपास ट्रेन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठता हूँ और किसी तरह बैठ के अपनी सीट खोलने की कोशिश करता हूँ, और फाइनली मुझे मेरी सीट मिल जाती है, क्योंकि मैंने स्लीपर में बुक किया होता है, तो मेरे को दिक्कत नहीं होता, क्योंकि दो या तीन घंटे का सफ़र होता है बीच में। तो बोला चलो यार भिलाई से बिलासपुर हम पहुँच जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये अंकल जी जो दिख रहे हो, ये मेरा सीट खा जाते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बट मैं फिर बोलता हूँ कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा टाइम है यार, निकाल लेंगे किसी तरह, और मैं फिर बिलासपुर पहुँच जाता हूँ। बिलासपुर पहुँच के तो भाई ये बड़ा मज़ा आता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं आप यार यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, मैं कहीं रुकने वाला था, तो फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया वहाँ रुकने का। तो फिर मैं सोच रहा था कि कहाँ रुकूँ, फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट पर सर्च किया, तो मेरे को पता चला कि अगर आपके पास एसी का सीट है, क्योंकि मैंने थर्ड एसी का सीट बुक किया हुआ था, तो आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है कि आप जाके एसी वेटिंग लाउंज में आप रुक सकते हो। तो मैं बड़ा ढूंढने लगा यार, पूरा यहाँ से वहाँ 4-5 बार घूम लिया, मेरे को मिला ही नहीं। फाइनली जब मेरे को मिला, तो मैं वहाँ पर जाके कुछ देर वेट किया। वेट करते करते यार मेरे को याद आया कि भाई मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं हूँ, थोड़ा मोरा इधर चिप्स विप्स खाया, लेकिन मेरे को समझ आया कि भाई मैं कुछ खाया नहीं हूँ, तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे। तो भाई मैं सोचा चलो यार कुछ ढूंढते हैं आसपास, खाने का कुछ जगह मिले, कुछ अच्छा खाने को मिले। तो मैं फिर ढूंढने लगा और फिर मैं जाके कुछ खाया और जाके फिर वेट करने लगा, क्योंकि ट्रेन रात के 8:30 बजे आने वाली थी। तो ट्रेन में मैं फाइनली बैठ गया, और रात के ट्रेन 8:30 बजे, क्योंकि मैं सुबह का 7:30 बजे चला हूँ। मैं रात को खाना मंगाया और खाना भी आया, खाना भी खा लिया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरी ट्रेन में एंट्री हो चुकी है, और ये मैं वॉशरूम में बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे को भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबके सामने में जाके व्लॉग शूट कर पाऊँ। ठीक है, फिलहाल तक तो नहीं है, पता नहीं आगे क्या ही होगा, बट ऐसा कह सकते हैं कि मेरे को मज़ा आ रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं है मेरे को मज़ा आ रहा है, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 5-7 घंटे लेट चल रही थी। जहाँ मेरे को 1 बजे पटना पहुँचना था, वहाँ ऑलरेडी यहाँ 1:30 बजे, पता नहीं मैं कहाँ ही था, तो मैं बीच में कहीं उतरा हूँ मोकामा, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा, लेकिन मेरे को भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं मस्त वेट कर रहा था कि जाऊँगा पटना, पटना से वहाँ पर से फिर रात को, मतलब मैं शायद 6-7 बजे पटना पहुँचूँगा, फिर पटना से रात को 10:30 या फिर 11:30 में ट्रेन पकड़ूँगा, और मैं वापस खगड़िया जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे मैं पहुँचूँगा रात के 2-3 बजे से 4 बजे के बीच। ठीक है, फिर वापस वहाँ से मेरा 25 किलोमीटर घर है, तो घर में मस्त गाड़ी पकड़ के आ जाऊँगा। फिर मेरे मन में क्या होता है कि नहीं भाई मैं मोकामा उतरूँगा, ठीक है, और मोकामा एक बीच में स्टेशन पड़ता है लगभग पटना से 4-5 स्टेशन पहले, और वहाँ से एक गाड़ी मिल रही है मेरे को 1 घंटे बाद उतरने के, मैं वहाँ से वो गाड़ी पकड़ के मस्त चले जाऊँगा। भाई बहुत सही प्लान है, 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं 8 बजे तक पहुँच भी जाता हूँ, मैं मस्त मोकामा में 1 घंटा वेट करके और 2 घंटे की वाली ट्रेन पकड़ के बस बैठ जाता हूँ। ट्रेन में इतना भीड़ भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, बट फिर मैं बोलता कोई बात नहीं यार, 2 घंटे की सफ़र, 1 घंटे मैंने वहाँ वेट किया, मस्त घर पे सरप्राइज़ देंगे, मैं कहाँ कल अगले दिन पहुँचने वाला हूँ, तो 1 दिन पहले ही पहुँच गया, रात को ही पहुँचा, लेकिन पहुँच गया ना भाई। मैं पता चलता है मेरे को खगड़िया पहुँच के कि भाई गॉड यहाँ पे गाड़ी चलना ही बंद हो गया भाई, 6 बजे ही तक चलता है शाम के, बोला ले हो गया मेरे साथ प्रॉब्लम। तब फिर मैं घर पर कॉल करता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे पहुंच गया हूं और मेरे को सरप्राइज देना था, लेकिन मैं तो यहां पे फंस गया हूं। पापा आनन फानन में भाग के आते एकदम बाइक लेके कि भैया मेरा तो बेटा गया इतने दूर से आया हुआ है और ये आके वेट कर रहा है, तो वो एकदम आते मेरे को खगड़िया 25 किलोमीटर चला के 1 घंटे में गाड़ी, फिर मेरे को लेके जाते हैं। भाई रात को गाड़ी इतना सुनसान, लाइट कटा हुआ है, नहीं गाड़ी नहीं, रोड सुनसान और लाइट कटा हुआ है, इतना खाली अंधेरा दिख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। लेकिन पापा लेने के लिए आते हैं बाइक और एकदम सेवियर पापा, # सेवियर पापा, ठीक है भाई, मेरे को बचाते क्या, नहीं तो वरना मेरे को पूरे रात वहाँ पर स्टेशन पर वेट करना पड़ता, फिर सुबह सुबह गाड़ी चलता, मेरे को गाड़ी से आना पड़ता।
बट मैं आया मस्त, घर का खाना वाना मिला, लेकिन रोड बहुत सुनसान था। बट एनीवेज मज़ा आया कि मैं भाई फाइनली घर पहुंच गया और मस्त आके रात को बात बात किया, रात को 12 बजे तक घर पे, उस पर सोया मस्त भाई गॉड। और फिर बकचोदी करने की मेरी आदत तो जाएगी नहीं, मैं कुछ से कुछ बकचोदियाँ कर रहा हूँ अपना बैठ के फ़ोन पे और घर पे ही। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा घूम लिया, जाके बगल में मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे घूम लिया और फिर थोड़ा झूला वूला झूल लिया, थोड़ा देख लो क्लिप व्लिप उसका ऐसे ही कुछ कुछ है। और ऐसे तो कह सकते कि भाई बहुत मज़ा आया, ट्रैवल थोड़ा हैक्टिक रहा, इधर उधर बहुत कुछ रहा, लेकिन यार ठीक है यार मज़ा आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं हाँ तुम्हें वहाँ सब भूल गया, मेरे को वहाँ भी बहुत मिस कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है। कॉलेज वगैरह मेरा चालू हो चुका है ऑलरेडी और मैं यहाँ बैठ के मज़े कर रहा हूँ। एक मंथ तो भैया मैं यहीं रहने वाला हूँ छठ तक, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा, अभी मैं शायद जाने वाला हूँ पूर्णिया भी, तो पूर्णिया का ब्लॉग लेते हो, अगर चाहिए तो नीचे बताना नीचे अकाउंट में, ठीक है। और छठ का भी होगा तो मैं शायद ब्लॉग बनाऊँगा ऐसे ही छोटा छोटा ब्लॉग। अभी भाई उतना मेरे को भाई मतलब बड़ा कैमरा फियर होता है यार सबके, ऐसे तो मैं बड़ा बोल सकता हूँ, वही कर सकता हूँ अकेले में, लेकिन सबके सामने में ऐसे कैमरा ले जाके बोलना, अरे यार दैट्स फक्स अप यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो यार, तो होप करता आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी बात पे वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चंद्र यू टू कम, जय हिंद।